नमस्कार दोस्तों, ये आंकड़ा किसी और का नहीं, मोदी सरकार का था। और जानते हैं क्या आंकड़ा था कि प्रवर्तन निदेशालय यानी जांच एजेंसीज ने पिछले 8 सालों में 3010 बार रेड मारी और उनमें से सजा मिली 0.5% से भी कम लोगों को, सिर्फ 23 लोगों को सजा मिली। यह आंकड़ा किसी और का नहीं था, संसद के अंदर मोदी सरकार के अंदर जो MOS थे, मिनिस्टर ऑफ स्टेट फाइनेंस पंकज चौधरी का अपना यह आंकड़ा था। मगर क्या आप जानते हैं मोदी सरकार अपने ही इस आंकड़े से पलट गई। उनके मंत्री हैं पीयूष गोयल, जब विपक्ष ने उनके सामने ये तथ्य रखा, क्या आप जानते हैं कि मोदी सरकार के ये मंत्री कहने लग गए कि विपक्ष के नेता झूठ ना बोलें। आपने बाकायदा, आपसे बाकायदा शिवसेना की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने सवाल पूछे थे और उनमें आपके अपने मंत्री ने आंकड़े दिए थे। अब इन आंकड़ों से मोदी सरकार पलट रही है। दोस्त, मैं आपको बताना चाहूंगा, कल राज्यसभा में संजय सिंह ने यह सवाल उठाया, मगर आप जानते हैं संजय सिंह को न सिर्फ झूठा बताया गया बल्कि उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के जो सभापति हैं जगदीप धनखड़, उनसे भी संजय सिंह को संरक्षण नहीं मिला। उल्टा उन्होंने यह तक कह दिया कि सांसद लोग बगैर तथ्यों के कोई बयान ना दे, मैं उसे बर्दाश्त नहीं करूंगा और इसके परिणाम होंगे। मैं फिर बता दूं, ये जो जानकारी है कि 310 बार रेड मारी गई जिनमें से सिर्फ 23 लोगों को सजा हुई यानी 0.5% से भी कम, यह आंकड़ा मोदी सरकार का है और इसे झुठला कोई और नहीं, खुद मोदी सरकार के मंत्री और माननीय उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़। मैं चाहूंगा कि किस तरह से संजय सिंह ने अपनी ये बात रखी, हाथ कंगन को आरसी क्या, संजय सिंह ये बात क्यों रख रहे थे, मैं आपको बताऊंगा, मगर सुनिए उनका बयान। ईडी का इस्तेमाल करके पिछले 8 वर्षों में 3000 छापे विपक्ष के नेताओं पे मारे गए और मात्र 23 लोगों को ईडी कन्विक्ट कर पाई, मात्र 0.5%। सर ये बिल्कुल ठीक बात नहीं है। सर ऑनरेबल मेंबर्स, वन ऑफ द मेंबर्स इज ओलेक्स, ऑनरेबल मेंबर्स प्लीज, मैं ये कह रहा हूं सर, प्लीज ये ईडी फर्स्ट 20,000 करोड़ का घोटाला करने वाली नीरव मोदी के खिलाफ क्यों चुप रहती है? टेक योर सीट, ये ईडी 20,000 करोड़, जस्ट मेक योर पॉइंट। उनको आपने अलाउ किया, मुझे ना अलाउ करें, मैं वैसे ही बोलूंगा, बगैर पेपर के बोलूंगा। अब इसी में अगर नो पॉइंट इन जीरो, सर यहां इस सदन में प्रियंका चतुर्वेदी जी मौजूद हैं, उनके जवाब में सरकार ने यह बताया कि 3000 छापे ईडी के द्वारा मारे गए और मात्र 23 लोगों को कन्विक्ट किया गया। मेरा इनसे सवाल यह है कि यह ईडी और सीबीआई 20,000 करोड़ के लुटेरे नीरव मोदी पे कार्रवाई नहीं करती, विजय माल्या पे कार्रवाई नहीं करती, नितिन संदेशरा पे कार्रवाई नहीं करती, ललित मोदी पे कार्रवाई नहीं करती, रेड्डी ब्रदर्स पे कार्रवाई नहीं करती, येदुरप्पा पे कार्रवाई नहीं करती, व्यापम घोटाले पे कार्रवाई नहीं करती, जितने भ्रष्टाचारी आपसे जुड़े हुए हैं उन पे कार्रवाई नहीं करते। संजय रावत जी यहां बैठे, 100 दिन जेल में रहे। मनीष सिसोदिया के घर पे आपने 14 घंटे छापेमारी की। सत्येन जैन को आपने जेल में रखा है। अरविंद केजरीवाल पे छापे मारते हैं, सारे मंत्रियों पे छापे मारते हैं, बंद करके सबको जेल में डाल दीजिए। दादागिरी से अगर देश चलाना चाहते हैं, तानाशाही से चलाना चाहते हैं, सबको जेल में डाल दीजिए सर, बंद कर दीजिए विवाद। 100 दिन रखे हैं सर संजय रावत, बाद में कह दिया इलीगल है, बाद में कह दिया इलीगल। सर संजय सिंह की बौखलाहट को आप समझ सकते हैं दोस्तों, क्योंकि ये ना भूलें कि आम आदमी पार्टी के जो मंत्री हैं सत्येंद्र जैन, वो जेल में है इस वक्त, मगर वो जिक्र कर रहे हैं संजय राउत का भी, वो जिक्र कर रहे हैं अनिल देशमुख का भी जिन्हें हाल ही में बेल मिल गई है, वो जिक्र कर रहे हैं नवाब मलिक का भी, यानी कि विपक्ष के नेताओं को खत्म करने, लगातार उन पर दबिश डालने की कोशिश की जा रही है। संजय सिंह ने सिर्फ सरकारी आंकड़ों का हवाला दिया था, मगर पीयूष गोयल उन्हें झूठा बता रहे हैं। सबसे पहले मैं चाहूंगा कि आप पीयूष गोयल की इस गलत बयानी को सुने, फिर मैं आपके सामने आंकड़े लाऊंगा। दोस्त सुनिए, दिस हैज बिकम अ वेरी रेगुलर प्रैक्टिस ऑफ शूट एंड स्कूप, यू जस्ट मेक एनी एलिगेशन। Honorable member, सुना आपने?
दोस्तों अब मैं आपको दिखलाने वाला हूं वो आंकड़ा जिसे मोदी सरकार की पोल खुल रही है आपके सामने। दोस्तों संसद के अंदर यानी राज्यसभा के अंदर ये सवाल पूछे थे प्रियंका चतुर्वेदी, और मैं चाहूंगा कि आप सवाल नंबर ए और सवाल नंबर ई पर गौर कीजिए। सवाल नंबर ए, वेदर एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट रेट्स हैव गॉन अप 90% आफ्टर 2014। सवाल सीधा है कि क्या प्रवर्तन निदेशालय के रेट जो है वो 90% बढ़ गए हैं। और अब ई पर आते हैं, उन्होंने पूछा था द केस रजिस्टर्ड अंडर प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 सिंस 2014 एंड नंबर ऑफ पीपल कन्विक्टेड अंडर पीएमएलए। ये पूछा गया कि ये बताइए कि कितने केसेस रजिस्टर हुए और कितने लोगों को सजा मिली। दोस्तों अब मैं बतलाना चाहता हूं कि संसद के अंदर मोदी सरकार ने क्या बयान दिया था, आपके स्क्रीन पर बयान का वो हिस्सा जिसमें सरकार खुद कह रही है कि 3010 रेड मारे प्रवर्तन निदेशालय यानी जांच एजेंसीज में और उनमें से सिर्फ 23 लोगों को सजा मिली। कहा क्या गया है अंग्रेजी में मैं पढ़ूंगा और फिर मैं उसका हिंदी में अनुवाद करूंगा। कहा गया है In order to dispose off of pending investigations in old cases and to complete investigation in new cases in time-bound manner under PMLA, 3,010 searches were conducted during the last 8 years, which resulted in attachment of ₹99,356 crores, complaint in 888 cases and conviction of 23 accused persons. Aage. Confiscation of proceeds of crime to the tune of 869 crores. इसमें कई आंकड़े हैं दोस्तों। संजय सिंह ने जो कहा उसमें कुछ गलत नहीं था। संजय सिंह ने क्या कहा, 3010 सर्चेस की रेड मारी ईडी ने, खुद सरकार ये बात कह रही है। संजय सिंह ने कहा 23 लोगों को सजा मिली, ये संजय सिंह का आंकड़ा है, यही बात सरकार ने कही। यही नहीं, यह कहा गया सरकार के अपने जवाब में 99,356 करोड़ रुपए जब्त किए गए, मगर अपराध कितने पैसे कपाया गया, 869 करोड़ 31 लाख रुपए। ये सब सरकार के जवाब में दोस्तों। अब मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, संसद के अंदर झूठ कौन बोल रहा है, संजय सिंह यानी विपक्ष या फिर पीयूष गोयल? मैं आपको बतलाना चाहूंगा कि प्रियंका चतुर्वेदी, शिवसेना की प्रियंका चतुर्वेदी, जिन्होंने यह सवाल पूछा था, वो भी इस पर हैरत जतला रही है। उन्होंने खुद कहा है अपने ट्वीट में कि भाई ये सवाल तो मैंने पूछा था, ये तथ्य है, ये हवा हवाई नहीं है, ये कल्पना नहीं है, तो फिर सरकार इसे गलत क्यों साबित कर रही है? मगर आप जानते हैं सबसे बड़ी त्रासदी ये थी कि उपराष्ट्रपति यानी राज्यसभा के जो सभापति हैं जगदीप धनखड़, उन्हें संरक्षण देना चाहिए था संजय सिंह को, संजय सिंह के बयान को, मगर उन्होंने उल्टा ये कह दिया कि सांसदों को बगैर तथ्यों के कोई बात नहीं कहनी चाहिए। यहां पर जगदीप धनखड़ साहब को साफ तौर पर कायदे से कहना चाहिए था कि पीयूष गोयल जी आप अपनी सरकार के बयान से क्यों पलट रहे हैं। उल्टा उन्होंने संजय सिंह को लताड़ लगा दी। मैं चाहूंगा आप जगदीप धनखड़ की इस बात को सुनिए। सुनिए, वी कैन नॉट अलाउ एनी मेंबर टू गिव आउट फैक्ट्स दैट आर नॉट सब्सटेंशिएटेड एंड दैट कॉन्स्टिट्यूट्स अ वेरी सीरियस ब्रीच ऑफ प्रिविलेज। आई एम वेरी पर्टिकुलर अबाउट इट, वेदर इट इज दिस साइड और दिस साइड। Anything being spoken in this house cannot be in figure. It has to be indicated with precision, with sanctity, and with ownership. अब आप बताइए जगदीप धनखड़ यहां जो बात कह रहे हैं वहां लताड़ किसको लगाई जा रही है? क्योंकि विपक्ष ने तो तथ्यों पर यह बात कही थी, तो आखिर सरकार इससे क्यों मुंह मोड़ रही है? यह कहीं ना कहीं दोस्तों चलन हो गया है सरकार का कि जो तथ्य होते हैं, आपके अपने तथ्य होते हैं, उससे ही आप मुड़ जाते हैं। आपने देखा किस तरह से पीयूष गोयल गलत बयानी कर रहे थे और फिर विपक्ष ने उन्हें कटघरे में रखा।